दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमन बेस्ट ब्लॉग्स पे। और ये है हमारा 17 ब्लॉग का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे केले के पेड़ भी हैं, बहुत बड़ा है ये पेड़, ये देखिए। मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी काट लेगी। एक दीदी ने हमें आवाज लगाई कि इधर भी आओ, मधुमक्खी के छत्ते को भी देखो। तो मधुमक्खी का छत्ता देखने आए हैं, काटेगी तो नहीं। अरे बाप रे, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। अरे बाप रे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। मैंने वो अपनी जान ना दिखाई दे रहा है, वैसे तो यहीं से भी है ना पूरा, कितना सारा है ये। तो इसको शायद को निकालोगे आप लोग? नहीं 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 निकालेंगे, वो बड़ा है। देख तो नहीं रहे होंगे वो मुझे कितनी सारी और कबूतर भी बैठा है एक ऊपर, काटेंगे। पता चला एक साथ हमला कर दिया सबने मुझ पे। एक व्हाइट कलर का कबूतर है और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने कबूतर हैं? एक ऊपर ही बैठा, बहुत सारे कबूतर हैं। तो 24-25 कबूतर हैं। अरे आई मम्मी, आई पापा, मेरे सर पे उड़ रहे हैं। तो डरो नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। व्हाइट कलर का वहाँ भी लाइन से बैठे हुए, सच में बहुत सारे हैं। तो बस अंधेरा है तो मैं दिखा नहीं पा रही, बहुत सारे कबूतर हैं। और मैं नहीं चाहती ये ज़्यादा परेशान हो, तो हम यहाँ से निकलते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, निकलते हैं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। बाहर तो नहीं आएंगी, आ गई बाहर। दोस्तों, उस समय जो है मेरी चाबी कहीं गिर गई थी, कहीं क्या, मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी आम के पेड़ों के साथ में, वहाँ मेरी चाबी गिर गई गाड़ी की। और थोड़ी देर हम उसे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, उसके बाद चाबी मिली और हम निकल गए घूमने के लिए। फिर रास्ते में आदित्य मिला, उसको हम अपने साथ लेके चल दिए और हम दोनों एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अपना। क्योंकि ये इसमें अभी हम पता ततैया भी देख के आए, बहुत सारी ततैया की वीडियो बनाई मैंने। कबूतर थे आदि वहाँ 20-25। अरे खतरनाक नदी है भाई ये तो। दिए क्या यहाँ पे आ रहे, उधर वहाँ चार कछुए बैठे हुए थे, एक आगे छोटा सा उनका बच्चा और पीछे चार एक ही पत्थर में। ये चल दिए हम नदी की ओर। भाई मेरे को देखना भी तो है गाड़ी चलाने के लिए, तुमने तो कैमरा ही लगा दिया। मंकी सुमन तेरा। अब हम गाड़ी सीधे नदी में ले जा रहे हैं क्या? नहीं यहाँ पे खड़े 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 ना ना छे तो पहाड़ से पूरे काला कर दिया को दो। तो उधर से हम बात वापस ले, यहीं पे खड़ी करें। हाँ यहीं पे खड़ी कर ले, लोगों को कर दीजिए ना। अब हम पहुंच चुके हैं कोलू नदी में और ये सने से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और देखिए आप वहाँ पे कछुए बैठे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। कछुआ बैठा हुआ है वहाँ पे इस पत्थर पे, मुझे लगता है वो हमें देख करके पानी में चला जाएगा। कूदिया, आज बहुत सारे जीव जंतु हमने देख लिए यहाँ पे। शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है, क्योंकि इधर जंगल है और बहुत सारे पेड़ पौधे, तो इस वजह से ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला होगा। यहाँ पे सिद्ध बाबा मंदिर है, ये बोर्ड लगा हुआ है उसका, ये सिद्ध बाबा का गेट। जय हो सिद्ध बाबा की। और हमारे पास अभी समय है, क्योंकि अभी 6 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अब हम पार्क में भी जाएंगे। तो चलिए पार्क की तरफ चलते हैं।
ये पर इधर कर देती ना जिधर। अब आ चुके हैं हम सने के पार्क में और ये देखिए दीदी का बचपन लौट के आ गया है। बचपन आया लौट के, पर झूला नहीं झूल सक रही हूँ, पर झूला नहीं झूल पा रही है। बचपन तो आ गया लेकिन जो है अभी बहुत हो गया। अरे झूलो झूलो, देखो आदि कितने अच्छे से झूल रहे हैं। मेरे को भी आता है। झूलो झूलो शाबाश, थोड़ा बहुत झूला झूला। पहले मैं बैठ नहीं पा रही हूँ तो आदि को आप देख सकते हैं कहाँ चढ़ के बैठ गया है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे इधर आओ, पूरा चल के इधर से नीचे आओ। आदि स्टंट दिखाते हुए, और आप देखिए आदि जंप करने वाला है। ये देखिए आदि की जंप, शाबाश आदि। मुझे लगता है कल तक आदि जंप मारी देगा। आज तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन कल तक तो मारी देगा। मुझे तो लग रहा है अभी मारने वाला। हाँ थ्री। देखो छोटा सा बेबी आ गया है, आप चढ़ोगे उस पे? अरे 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 भाग गया। अरे यार मेरे को कूदना ही पड़ेगा, ऐसी नाटक कर रहे थे। कूदना आया नहीं, कूद नहीं पाया और अब आ रहा है उल्टी तरफ से भाग भाग के। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। यह सिद्ध बली गंगा वाटिका कोटद्वार रेंज, और वो है सामने टिप्पन टॉप, और हम जा रहे हैं टिप्पन टॉप। तो लास्ट वाले टॉप पे जाएंगे हम। चल दे। हाँ बिल्कुल, चलिए हम चलते हैं टिप्पन टॉप पे। देखिए कितने सारे बच्चे चढ़ रहे ऊपर। आ रही आप चले गए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। हाँ हाँ, दीदी तो नीचे ही रह गई। इससे भी ऊपर है कुछ। ओ मैं थक गई हूँ। फाइनली हम पहुँच गए और बहुत थकान हो रही है, लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ थोड़ा सा डेंजर है तो यहाँ देखते हुए कहीं पता चला, जितनी देर यहाँ पहुँचने में लगी उसके आधी की आधी स्पीड में नीचे है ना। यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है नीचे, और हम उस गेट से आए हैं। वो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है। आदि बेटा फिर भी संभल के, मुझे डर लग रहा है। वहाँ पे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, जंगलात का ग्राउंड है ये, बहुत ही खूबसूरत। और अब हम वापस नीचे चलते हैं टिप्पन टॉप से। चलिए, और नीचे जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। संभल के जाना, अब यहाँ से गिरे तो बस दो चार हड्डियाँ ही टूटेंगी। वैसे तो कुछ नहीं होगा, मैं कूद जाऊंगा यहाँ से नीचे। हम आ चुके हैं नीचे टिप्पन टॉप से। अब हम घर आ चुके हैं, और घर आकर से सीधे आम पे टूट पड़े हैं। देखिए सब आम खाने पे लगे हैं। और दीदी हमारे लिए आम काट रही हैं। नहीं चक्कू भी बड़ा स्टाइलिश है देखिए। और ये बहुत ही टेस्टी, सोच में बहुत मीठा आम है। क्या कौन सा आम है दीदी? बनारसी आम।
वाराणसी हम कोटद्वार में दोस्तों 8 बज चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। 15-20 मिनट में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आज हमने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने भी हमारे साथ इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।